तो जय हिंद पैर बच्चों आपका कक्षा आठवीं का विषय विज्ञान का यहाँ पे देखिए मेरे पास आपका आ चुका है एकदम हंड्रेड एंड वन परसेंट मासिक आकलन दो हजार बाईस तेईस का माह आपका नवंबर का यहाँ पे हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका असली पेपर ये। 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 अभी आएगा नीड़ो जी हाँ छात्रों ये पूरा पेपर आपका असली पेपर है और कल आपको यहाँ पे पूरा आपका सेम टू सेम आपका पेपर देखने को मिलेगा देखिए और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है तो यहाँ पर देखिए पूरा पेपर है और पूरा पेपर का आंसर टोटल आपके देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नवा और दसवां सारे आपके क्वेश्चन हैं और आपको इसका आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको खंड वाक्य सहित आपका पुरस्कार के आंसर सहित आपको आंसर देंगे बहुत ही बेहतरीन राइटिंग पर आपका एक एक क्वेश्चन आपको सल्यूशन मिलेगा जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार विज करें वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात सबसे पहले आपका इसमें आएगा वस्तु क्वेश्चन है ना और कैसे करना है जैसे आपने अभी त्रमासिक आकलन का आपने देखा ना पूरा आपको रियल पेपर का आपको आंसर मिला है इसी प्रकार आपका यहाँ पे नवंबर का मासिक आकलन का रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है डैश डेस एक आपका जीवाश्म में ईंधन है तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप कह पे किसकी बात कर रहे हैं तो कोयला क्या है आप कह पे आप यहाँ पे दीजिए कोयला

करने के लिए यानी अवशोषित करने के लिए उसे यहाँ पे भीतरी आपको उसे काला रंग बना जाता है आप यहाँ पे काला कर दीजिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा पैदावार में बढ़ोतरी के लिए डैश डैश का आपका उपयोग किया जाता है तो आपका देखिए एक अंक है तो क्या करेंगे तो भाई साहब बात करें पैदावार में बढ़ोतरी के लिए जब भी आपका धान की खेती आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत होता है तो सी बोर्ड में आपका देखिए यही क्वेश्चन आया दिया गया तो आप पैदावार की आपको बढ़ोतरी के लिए आपको यहां पे खाद का उपयोग करना, करना चाहिए आपका खाद का उपयोग करना चाहिए या फिर आप यहां पे उर्वरक क्या लिख सकते हैं आप यहां पे उर्वरक का उपयोग लिख सकते हैं सिंपल आंसर आपको यहां पे उर्वरक हो जाएगा आप खाद ना भी लिखेंगे उर्वरक लिख लीजिए पूरा आंसर आपको एक नंबर मिल जाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया इसमें बीजोपचार किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आपको पे देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है है और कैसे है, कैसे दो आंसर करेंगे देखिए इसे आंसर करने के लिए आपको सिंपल तरीके से देखिए सारे क्वेश्चन पहले देखिए फसल समुन्नत से आप क्या समझते हैं आप कई वाला क्वेश्चन दो नंबर का और इसके बाद एलपीजी का कौन कौन सा आपको गैस पाई जाती है आपको इसका आंसर बताना है साथ में इसके बाद आपके लघोतरी क्वेश्चन आएंगे तीन नंबर वाले तो आपके देखिए तीन नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा है सातवा पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के आपको नाम लिखना है और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आठवा बीज व्यवाही की विधियां कौन कौन सी है आपका नंबर क्वेश्चन ये भी हो जाएगा और इसके बाद आपका दीर्घ क्वेश्चन फसल संरक्षण से आप क्या आपका इसका उपयोग का वर्णन करना है चलिए आपका इनका आंसर दिखाते हैं अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है बीजोपचार क्या है चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आंसर करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन चार का उत्तर देते हैं आपको उत्तर भेजना है आपको देखिए बीजोपचार की बात कर रहा है आंसर बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने और उनमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को यहाँ पे आपका बीजोपचार कहते हैं है ना तो आपको आंसर चौथे का मिल गया क्या कहलाता है आपका पे बात कर रहा था बीजोपचार की बात कर रहा था आपको आंसर बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने और उनके शीघ्र अवगुर के लिए तैयार की जाने वाली आपको यहाँ पे गतिविधियों को यहाँ पे बीजोपचार कहते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आपका पांचवा देखिए पहले ये आपको, आप आपको, तो आपको, आपको सिंचाई खाद और उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियां अपना कर खाद्यान्नों को यानी आपको खाने वाले पदार्थों की बात कर रहा है बढ़ाया जा सकता है उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय आपका उन्नत किस्मों का विकास और उपयोग करना है इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार और अथवा फसल आपका समोन्नति कहा जाता है ठीक है चलिए आपको आंसर देखिए अच्छे से कर लीजिए भैया आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है कि सिंचाई खाद और उर्वरक उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर खादानों को उत्पादन बढ़ा जा सकता है उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्म का विकास उपयोग करना है इसी प्रणाली को किस्म सुधार अथवा फसल समुनति कहते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर छह दिया देखिए एलपीजी के आपका पे प्रमुख आपके कौन कौन से यहां पे आपको उसमें गैस होते हैं तो देखिए आपको बताना है एलपीजी में मुक्त यहां पर प्रोपेन होता है और आपका ब्यूटीन गैसे होती है ठीक है चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है एलपीजी के प्रमुख रूप से आपको कौन कौन से गैसे तो प्रोपेन और आपका ब्यूटेन हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन देखिए सातवा लिखा है यहाँ पे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम अब चलिए इसका आंसर दिखाते हैं क्वेश्चन सातवा का इसका आप आंसर सिंपल सा लिखिए देखिए आपको अपने पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद आपका कौन सा है पहला आपका यहाँ पे पेट्रोल है इसके बाद आपका डीजल है तीसरा आपका केरोसिन है और चौथा आपका पेट्रोलियम है यहाँ पे आंसर करिए और इसके बाद क्वेश्चन आपका आठवां आता है आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन देखिए पहले पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे, पे क्वेश्चन आपका दिया गया देखिए बीज ववाई की विधियां कौन कौन सी है आपको बताना है तीन नंबर क्वेश्चन है चलिए आपको तीन नंबर का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर दिखाते हैं है ना तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो आपको आंसर है हैं बीजाई के आपके यहाँ पे कौन कौन सी विधियां हैं देखिए इस विधि में हाथी हाथों से पूरे खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं तथा इसके बाद बीजों खेत को जुताई कर दी जाती है और बीज मिट्टी में दब जाते हैं और इस विधि द्वारा कम समय में बड़े क्षेत्र में बुवाई की जा सकती है अधिकांश धान फसलों की बुवाई छराटा विधि द्वारा की जाती है पता लगाएं कि क्या चना मटर अथवा टमाटर सब्जियों के बीजों को भी आपका इस प्रकार से बोया जा सकता है ठीक है तो आपको आंसर ये करना है और इसके बाद क्वेश्चन आपका पहले नौवा आता है नौवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं तो के आपको कोई आपको उपायों का करना है, और आपका लॉन्ग आंसर है, है दीर्गोत्री है तो आपको कुछ बड़ा आंसर करना पड़ेगा और इसके आंसर की बात करें तो आपको आंसर ये मिल जाएगा देखिए यहाँ पे आपका उत्तर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहला तो आपका हो जाएगा मेढ में कटीले तारों का घेरा लगाकर है ना आप ये कर सकते हैं और इसके बाद देखिए काग भगोड़ा लगाकर आप ढोल बजाकर कर यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं इसका आंसर और इसके बाद जीवाणुनाशी कमकनाशी और कीटनाशी का छिड़काव करके और चौथा जैविक नियंत्रण विधि अपना कर और पांचवा पा हो जाएगा मिश्रित फसल प्रणाली अपना कर है ना तो आपको इस प्रकार से आंसर करना था तो देखिए आप यहाँ पे इन इतने कितने आपके पांच प्रकार है इनको अपनाकर आप फसल संरक्षण कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से पहला आपका लिखा है कटिलो का तार ये देखिए तार लगा देंगे तो यहाँ पे आपका फसल का बचाव हो जाएगा ठीक है कटीले तार लगाएंगे या फिर काक भगोड़ा आप एक खड़ा कर देते हैं ना पुतला ढोल बजाकर भी आप यहाँ पे फसल का संरक्षण कर सकते हैं और साथ में जीवाणुनाशि कपकनाशी और कीटनाशि इनका आप यहाँ पे रसायन का उपयोग करके आप बचा ही सकते हैं साथ में जैविक नियंत्रण क्या होता है आपका जैविक यानी आपका जो भी जैविक विधियां होती है और मिश्रित फसल आप कर देंगे तो यहाँ पे अगल बल यहाँ पे आपके पे नहीं आएंगे अब इसके बाद देखिए सबसे आपका एक लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको खंडवा में प्रोजेक्ट कार के रूप में पे तुम्हारे आसपास धान की कौन कौन सी किस्में बोई जाती है क्या आपकी विस्तार है उनका आपको सूची बनाना है आपको आंसर इसका भी आपको देते हैं आपको पूरे नंबर आपको मिल सके ठीक है चलिए देखिए चलिए अब इसके आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आपका दस का देखिए यहाँ पे खंड वाक का आंसर आपका लेके आ चुका कहूँ किस्में की बात कर रहा है धान की आपके किस्में और उनकी विशेषता पूछा गया पहला देखिए आप कहाँ पे यहाँ पे किस्म की बात करें गंगा कावेरी आप कहाँ पे धान है 120 दिवस का होता है कम पानी में भी आपका उपज देने में आपका सक्षम होता है खाने के लिए और बंजर जमीन में भी आप कहाँ पे क्या होता है उपज देती है इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए दूसरी बात कर रहा है आई यार चौसठ की बात कर रहा है ये आपका धान का एक पीस दूसरा किस्म है खाने के लिए तथा बंजर जमीन में आपको यहाँ पे उपज देती है और इसके बाद तीसरा चौसठ चौवालीस आपका ये तीसरा आपका धान का किस्म है उत्तर लिखना है एक सौ चालीस दिवस की होती है और उपज या पैदावार के लिए आपका पे प्रसिद्ध है है ना तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा क्या लिखा है पायोनियर तो आप इसका एक सौ चालीस दिवस की आपका धान सभी के बच्चा आपका वजनदार होता है और इसके बाद देखिए पांचवा लिखा है अंकुर दो सौ अड़सठ तो इसके आंसर की बात करिए दैनिक जीवन में आपका खाने के लिए उपयोगी होता है और छठा नंबर सोनम इसके चावल पतले और लंबे होते हैं तो आपको यहाँ पे इस से आंसर पूरे कर लेने हैं देखिए आपका पहला यहां पे देखिए आंसर खंडवा का आपका ये प्रोजेक्ट का आंसर है तो आप इसमें प्रोजेक्ट कार की आंसर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं पूरा आप यहाँ पे देखिए किस में और सीधा पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँच बाद ठीक है तो फटाफट इनके आंसर करिए और यहाँ पे देखिए हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर पूरे आपके विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर दे दिए है मिलते हैं वीडियो पर जय हिंद जय भारत यदि आपको आने वाले हर एक पेपर का आंसर चाहिए तो वीडियो को दिल से लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले प्यारे बच्चों प्यारे गुल्लो जय हिंद जय भारत अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया फेलने जाना है बाय वो है